हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। सर्दियों में जो है वो बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहती हैं, तो क्यों ना हम इन सब्जियों का यूज़ करके एक बहुत ही टेस्टी सा अचार बनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर मूली के अचार की रेसिपी। और ये अचार जो है वो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है और इंस्टेंट ही आप इसे खा भी सकते हैं। और 8 से 10 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये अचार बचता नहीं है 10 दिन तक रखने के लिए, बट अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो इसे 8 से 10 दिन तक रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग विंटर स्पेशल रेसिपीज जल्दी ही आने वाली हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। गाजर और मूली का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम के करीब मूली, और लगभग 250 ग्राम ही मैंने यहाँ गाजर ली है, और 2 हरी मिर्ची ली है, और थोड़ी सी हमने अदरक ली है। अदरक और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, और क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी में आप अचार बनाना चाहें उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मूली और गाजर को मैंने अच्छे से छील कर धोकर ले लिया है, और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से पानी इसका सूखने तक रख लिया है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम गाजर मूली और इन मिर्ची अदरक को काट कर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम गाजर को लेंथ वाइज इस तरह से काट लेंगे, और अब हम इसे इस तरह से काटेंगे। और अचार बनाने के लिए आप जो है वो सॉफ्ट गाजर का यूज़ करें, जिसके अंदर ये पार्ट कम हो। अदरवाइज़ ये पार्ट ज़्यादा हो तो आप इस तरह से इस पार्ट को हटाते जाएं। और अगर ये पोर्शन सॉफ्ट हो तो आप इसे अचार में ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा हटा कर ले रही हूँ। अदरवाइज़ जो है वो खाने में इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। गाजर को हमने काट लिया है, और सेम वे में इसी टाइप से लेंथ वाइज हम मूली को भी काट लेंगे। सेम वे में हमने मूली को भी काट कर ले लिया है। हरी मिर्ची को भी हमने लंबा पतला काट कर ले लिया है। अदरक को भी हमने इस तरह से पतला पतला काट कर ले लिया है। अदरक के पीस जितने पतले हों उतने ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च जिसे मैंने थोड़ा दरदरा कूट कर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो बारीक राई होती है उसे पीस कर ले लिया है। इससे जो है वो अचार में खट्टापन आता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अचार को इसी तरह भी खा सकते हैं। इसे एक दिन रखने के बाद ये अचार जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप बिना ऑयल के इस तरह से भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अचार को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी तेल लिया है, और जिसे मैंने पहले गर्म करके अच्छे से ठंडा करके ले लिया है। और अब हम इसे अचार को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अचार हमारा बनकर तैयार है। लेकिन इसे आप 1 से 2 दिन रखने के बाद खा सकते हैं। आप चाहें तो इस अचार को फ्रिज में रखें, इससे ही अचार इसी तरह से ही बिल्कुल कच्चे कच्चे टेस्ट का रहता है। अचार को स्टोर करने के लिए मैंने इस तरह के कांच के एयरटाइट कंटेनर का यूज़ किया है। इससे जो है वो अचार ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहता है इसमें। और ध्यान रखें आप कि जब भी आप इसमें अचार स्टोर करें तो ये बॉक्स जो है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, और अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंटेनर गीला होगा तो उसमें अचार जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ध्यान रखें आप कि जब भी आप इसमें अचार स्टोर करें
तो ये बॉक्स जो है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए और अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंटेनर गीला होगा तो उसमें अचार जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। गाजर मूली और मिर्ची का अचार जो है वो बनकर तैयार है। सर्दियों में ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी इस सिंपल सी अचार की रेसिपी को एंजॉय करें। और कैसा लगा आपको ये रेसिपी, इसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।